वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में श्री कृष्ण की जो पूजा है वह बाल रूप में की जाती है, और बाल रूप में भगवान की पूजा होने के साथ साथ यहाँ पर पर्दा प्रथा भी शुरू की गई है। यह पर्दा प्रथा क्यों शुरू की गई और इस पर्दा प्रथा के पीछे क्या राज है वह हम आपको बताएंगे। मान्यता के अनुसार बाल रूप में भगवान श्री कृष्ण यहाँ विराजमान हैं और उनकी बाल रूप में यहाँ सेवा की जाती है। एक भक्त जब यहाँ मंदिर में दर्शन करने आए थे तो श्री कृष्ण उनके साथ चल दिए थे। क्यों चल दिए थे आइए बताते हैं। ठाकुर जी महाराज का पर्दा कई वर्षों से जब हमारे पूर्वज सेवा करते थे तो पर्दा नहीं लगता था, लेकिन एक ऐसी घटना घटी, उस घटना के बाद से बिहारी जी का पर्दा लगाना शुरू करना पड़ा, क्योंकि ठाकुर जी का जो विग्रह है वो बाल स्वरूप में है और ठाकुर जी इतने चंचल, अपने भक्तों के चंचलता में फंस जाते हैं। तो एक बार की घटना थी कि कोई भक्त ठाकुर जी के दर्शन करने आया और उसने एकटक लगातार बिहारी जी से निगाह मिला के रखी और ठाकुर जी इतना भाव विभोर हो गए कि ठाकुर जी उनके साथ चल दिए थे। हमारे पूर्वजों को जब मालूम पड़ा कि ठाकुर जी इनके साथ चल दिए हैं तो ठाकुर जी को और ठाकुर जी के लिए उस भक्त को खोजा गया कि कौन भक्त था जो ठाकुर जी के साथ इतना प्रेम और प्यार से ठाकुर जी को अपने साथ ले गया। तो उस भक्त को ढूंढने पर मालूम पड़ा कि ठाकुर जी इनके साथ थे। तो उसके बाद से बिहारी जी मंदिर में एक प्रथा चालू हो गई कि बार बार पर्दा लगाया जाता है, जिस पर्दे की वजह से कोई भक्त लगातार एकटक ठाकुर जी से निगाह ना मिला सके। यही प्रथा तब से निरंतर चालू है और आज भी आप मंदिर में दर्शन करेंगे तो ठाकुर जी का पर्दा बार बार आता रहता है। श्री राधे।